हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन की इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो जो हमारे फ़ोन की इंटरनेट प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो देख सकते हैं कि हमारी सेटिंग्स से फ़ोन की ओपन हो गई हैं। तो इसमें से आपको जाना होगा नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे। तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है, इससे हम इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जब आप इसको बैक करके आपको जाना है सिम कार्ड एंड नेटवर्क सेटिंग पे, जिसमें सिम कार्ड ऑप्शंस को ओपन करना है। जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं रोमिंग को ऑन कर देना। इस तरीके से आप रोमिंग को ऑन करते हैं तो जो हमारी सिम इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, जो हमारे फ़ोन में इंटरनेट वगैरह चलने लगेगा। तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। नेटवर्क टाइप को आपको सेलेक्ट करना है 4G या 5G में, जो आपका सेलेक्टेड होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क को जाकर आपको जो भी आपका फ़ोन का नेटवर्क है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद बैक करना है। बैक करते ही आपके पास एक्सेस पॉइंट सेटिंग आती है, जहाँ से इंटरनेट सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करके इंटरनेट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। जब आप बैक करते हैं तो बैक करके भी आप इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ से सिस्टम सेटिंग्स में जाना होगा। सिस्टम सेटिंग्स को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आप इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रीसेट सेटिंग्स को ओपन करना है। तो इस तरीके से जो फ़ोन की हमारी सेटिंग्स से रीसेट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ओपन होती जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए आपको रीसेट एंड इंटरनेट सेटिंग्स को ओपन करना है। फिर रीसेट ऑप्शंस को ओपन करके जो भी आपका फ़ोन का पासवर्ड है उसको इस तरीके से डाल देना है। तो फ़ोन पासवर्ड को इस तरीके से जब आप डाल दोगे तो जो हमारे फ़ोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप यहाँ से सेटिंग्स को रीसेट करते हैं तो रीसेट करते ही जो हमारी इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। और इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व होती हमारे फ़ोन में इंटरनेट वगैरह चलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ से इंटरनेट डाटा को ऑन करते हैं, सेटिंग्स पर जाकर यहाँ से इंटरनेट डाटा को ऑन कर दोगे तो हमारे फ़ोन में इंटरनेट वगैरह चलने लगेगा और यूट्यूब वगैरह भी चलने लगेगा। तो इस तरीके से इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।